आईपीएल के 13वें सीजन का नवा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच शाहजहां के मैदान पर खेला गया। यह मैच काफी रोमांचक रहा, जिसमें राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पंजाब को 4 विकेट से हराकर आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी रन चेज को हासिल करने का इतिहास रच दिया। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पंजाब के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पंजाब की टीम में मयंक अग्रवाल 106 रन के तूफानी शतक और केएल राहुल के 69 रन के अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 223 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल ने संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ और राहुल तेवतिया के अर्धशतकों के दम पर 19 ओवर 3 गेंदों में ही 6 विकेट खोकर 226 रन बनाकर मैच को 4 विकेट से जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत के लिए 3 ओवर में 50 से ज़्यादा रन बनाने थे। संजू सैमसन आउट हो गए थे और राहुल तेवतिया स्ट्रगल कर रहे थे। इस बीच शेल्डन कॉटरेल ने ओवर किया और सामने राहुल तेवतिया ने पहली 4 गेंदों में 4 छक्के जड़ दिए और 5वीं गेंद खाली चली गई, लेकिन आखिरी गेंद पर फिर से छक्का जड़कर राहुल तेवतिया ने मैच का रुख राजस्थान की ओर मोड़ दिया। इस ओवर में 5 छक्के राहुल तेवतिया ने ठोके। आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर बने रहें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।